कहता है कि जब मौका मिलेगा तो मौका नहीं छोड़ेंगे। आज तरह तरह की प्रताड़ना देकर मौके से वंचित किया जाता है, लेकिन आज जो मौका मिलता है तो चाहे किसी भी फील्ड में हो, उस मौके को हम भरपूर तरीके से उसको फ़ायदा उठाएंगे। और इसी बीच में आप ये देख रहे हैं जो कि बहुत तादाद के अंदर यहाँ महिलाएं इकट्ठी आई, हमसे जानकारी लेते हैं। निशा भरोरिया जी, आप यहाँ आई हैं, और तो आप यहाँ आने का क्या आपका मतलब है? यही कि हम अपने सारे समाज को दिखाना चाहते हैं कि रहकर समाज में कितनी एकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होना चाहिए और अपने समाज का भी नाम आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं कि भाई बच्चों को नहीं पढ़ाते, खासतौर बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहते, जबकि आज के टाइम में बेटियाँ ही सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो हम ये अपने सोए हुए समाज को जगाना चाहते हैं कि जागो, कहते ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा हर घर घर में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षित से ही लोग आगे सुधरते हैं। अगर लोगों को शिक्षा का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपने घर में क्या सुधार लाएंगे। तो हम यही दिखाना चाहते हैं कि भाई हमारे समाज में कितनी एकता है, आगे जो मैसेज आए वो हमें देख के और आगे अपने बेटियों को आगे करें, पढ़ाएं, वो भी MLA बन सकती हैं, वो भी एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं, तो उनको ये मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग यही चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश होता है हमारे राजस्थान में, एक प्रथा होती है, कोई शुभ काम करते हैं तो कलश यात्रा की जाती है, यानी जैसे ये आपने देखा है पीला और लेडीज़ें कलश ले रही हैं, ये वेलकम के लिए होता है, कोई भी शुभ काम होता है तो हमारे में ये लिया जाता है। तो निशा जी, जैसे आपने एजुकेशन की बात करी, और ये हकीकत बात है, जिस परिवार के अंदर अगर महिला अगर अपनी एजुकेशन सही ले रहे तो शायद 2 या 3 परिवारों को वो सुधारने का काम करते हैं। काम कर सकते हैं बिल्कुल, और हम तो चाहते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। अब ये कह रहे हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद, तो ये नारी शक्ति जिंदाबाद कैसे होंगे? आज तो बहुत सारे अत्याचार होते हैं, महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है। मेरा नाम शकुंतला कुरड़िया है, मैं ये चाहती हूँ कि हमें है ना एकजुट होकर चलना चाहिए, सारी महिलाएं अपनी शक्ति दिखाएं। नारी तो एक आधी शक्ति है, यदि वो चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर दे, इसलिए मैं अपनी सब बहनों को साथ लेके चलना चाहती हूँ। और एक में तो बहुत कुछ है, और हमारे यहाँ परिवार में लड़कियों को पढ़ाने के लिए पीछे रखा जाता है, और मॉडर्न मन से मॉडर्न बनते हैं, मगर मैं कहती हूँ मन से नहीं दिल से मॉडर्न बनिए, अपनी बहन बेटियों को बाहर निकलने का मौका दीजिए ताकि वो भी आपको कुछ बन के दिखाए। वो कुछ बनना चाहती हैं मगर उनके बीच में आ जाते हैं लोग, और कभी माँ कहती है नहीं पढ़ना, कभी बाप कहते हैं नहीं पढ़ना, कभी समाज कहता है नहीं पढ़ना। तो मैं इस कुरीति को मिटाना चाहती हूँ, और जो देश आंदेश में हमारे रहकर भाइयों का मकान जायदाद तक कचा चला जाता है, मैं चाहती हूँ इन कुरीतियों को ख़त्म किया जाए, वो कुरीतियाँ मिटे और उन कुरीतियों को ख़त्म करना चाहिए और एकजुट होना चाहिए, महिला समाज जिंदाबाद।